सब्सक्राइब कीजिए DDN न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। RLP से गठबंधन के बावजूद हनुमान बेनीवाल को अनदेखा कर रही है भाजपा। दोस्तों, इस खबर में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी व भाजपा संयुक्त रूप से क्या नागौर का चुनाव जीत सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर भूल कर गई है। भाजपा ने अपने फेसबुक पेज पर जो फोटोज वाला पोस्टर जारी किया है उसमें केवल 24 उम्मीदवारों की ही फोटो है। हालांकि अभी दौसा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन नागौर से हनुमान बेनीवाल को गठबंधन का टिकट देकर भाजपा ने अपने जिला स्तर के नेताओं को उनके साथ प्रचार में झोंक भी दिया है। इसी बीच भाजपा की मीडिया टीम ने जिस पोस्टर को अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है उनमें से उनके साथी उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल गायब है। यदि इस पोस्टर को आधार माना जाए तो बेनीवाल को भाजपा अनदेखा कर रही है। वैसे भाजपा की मीडिया सेल के कारनामे नए नहीं है। यहाँ से जिस तरह की फोटो और खबरें जारी की जाती है उनमें से कईयों में भारी कमियां रहती हैं। बहरहाल हनुमान बेनीवाल ने नागौर में जीत के लिए जान लगा रखी है। भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेकर BJP के सभी पदाधिकारी बेनीवाल के साथ हैं। बिना जाति धर्म की बात किए सभी बेनीवाल के लिए प्रचार करने में जुटे हुए हैं, शायद इसलिए पोस्टर चर्चा में आ गया। वैसे भाजपा के मीडिया सेल की बात करें तो दौसा से भाजपा अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के इस पेज पर उनको भी उम्मीदवार बताया गया है। इससे पहले उनके नाम पर ट्विटर पर भी रार हो चुकी है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।